मार्वल की दुकान में काम करने वाले 23 वर्ष के युवक का कारनामा सुनकर आप दंग रह जाएंगे। हर्षित मेहता पर आधारित वेब सीरीज देखकर इस युवक ने गोहलपुर क्षेत्र के एक अस्पताल संचालक को ठगने का प्लान बनाया। उसने तहसीलदार के फर्जी सील साइन कर नोटिस भेजा और फिर मामला सेटल करने के नाम पर 1.5 लाख रुपए मांगने लगा। यही नहीं, उसने बरी होने जिला दंड अधिकारी के नाम की सील साइन कर प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया। आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। सैफ नगर निवासी KGN हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अब्दुल लतीफ के मुताबिक उनके यहाँ लकवा से संबंधित मरीजों का इलाज किया जाता है। नर्मदा नगर रद्दी चौकी में उनका अस्पताल है और 9 मार्च को उन्हें तहसीलदार न्यायालय से एक कारण बताओ नोटिस जारी हुआ। इस नोटिस में जवाब के साथ 26 मार्च को पेश होने की बात लिखी हुई थी। साल 2020 में आर्थिक फ्रॉड पर आधारित वेब सीरीज स्कीम 1992 द हर्षित मेहता स्टोरी रिलीज हुई थी। साल 1992 में देश का पहला फाइनेंशियल स्कैम जो कि करीब 4,000 करोड़ रुपए का था, उसे हर्षित मेहता ने ही अंजाम दिया था। इस वेब सीरीज को देखने के बाद ही आरोपी को ठगी का आइडिया आया था। क्या है कि मार्च के महीने में लगभग 9 मार्च को हमको एक पत्र प्राप्त हुआ, नोटिस प्राप्त हुआ, जिसमें अज्ञात आदमी ने दे के गया और ये लिखा था कि कारण बताओ नोटिस। उसमें अस्पताल के और कुछ हम मतलब पर्सनल दस्तावेजों की मांग की गई थी और न्यायालय तहसीलदार के यहाँ से वो पत्र जारी हुआ था। तो मैंने पेशी के दिन तहसीलदार साहब से जाके मुलाकात की वहाँ ऑफिस में। उन्होंने बताया कि ये पत्र हमारे यहाँ से जारी नहीं किया गया है। अच्छा, उसी बीच में एक अज्ञात व्यक्ति ने हमको फ़ोन किया कि भाई अगर वो मामला आपको बनाना है तो हम करवा देंगे और कुछ पैसे लगेंगे, लेकिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया और हमने उसको रिफ्यूज़ कर दिया। फिर अभी 2 तारीख को जून में फिर एक पत्र हमें प्राप्त हुआ, वही सेम कारण बताओ नोटिस का। तो हमने फिर ये सोचा कि भाई इसको मिला जाए, तो फिर हमने तहसीली में जाके हमने जानकारी ली तो पता लगा कि ये पत्र हमारे यहाँ से जारी नहीं हुआ है। इसी बीच में उस अज्ञात व्यक्ति का फ़ोन आने लगा और वो हमसे पूछने लगा कि भाई वो आपको नोटिस मिला है? मैंने कहा हाँ भाई मिला है। बोले उसको अगर सेटलमेंट करना है तो हम करा देंगे। और इस तरीके से वो बार बार मेरे संपर्क में आता रहा और मुझसे बोला मैं कैंसिलेशन कराऊँगा और आपको पैसे लगेंगे। उसने 1.5 लाख रुपये की मुझसे मांग की। मैंने उसको कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की, क्योंकि मुझे पता था कि ये सब पत्र जो आ रहे हैं ये फर्जी आ रहे हैं। तो मैंने उसको कॉन्फिडेंस में लिया और उसके बाद मैं TI गोहलपुर साहब से मैंने संपर्क बनाया और उनसे चर्चा की। तो उन्होंने कहा आप एक आवेदन दे दो। तो हमने एक आवेदन दिया जिस पर पुलिस ने भरपूर कोशिश की और कार्रवाई की, जो कि वो कल हमको उसने जब बुलाया कि भाई वो आ जाओ और अपना कैंसिलेशन ले जाओ, आपकी जो कार्रवाइयाँ हैं वो सब रद्द कर दी गई हैं। तो उसने जो लेटर हमको दिया उसमें ऐसा लिखा हुआ था और कलेक्टर महोदय जी की सील लगी हुई थी। तो वो फिर पुलिस ने और मतलब उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया और कार्रवाई शुरू कर दी। कौन सी तहसीली का मामला है ये? तहसीली उसको सिर्फ जबलपुर, तहसील जबलपुर लिखा था, ना किसी ना विजयनगर का नाम, ना यहाँ तहसीली का नाम, कहीं कोई नाम नहीं था। लेकिन हमने दोनों जगह तहसीलियों में हमने संपर्क किया, लेकिन ऐसा कुछ भी पता नहीं चला कि वहाँ से ये पत्र जारी की। कल थाना गोहलपुर अंतर्गत रद्दी चौकी के पास सैफ नगर में KGN हॉस्पिटल है, जिसमें डॉक्टर अब्दुल लतीफ द्वारा एक शिकायत की गई कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा इनसे इनके हॉस्पिटल की जांच के नाम पर 2 लाख रुपए की मांग कर रहा है, जिसमें इनके द्वारा एक शिकायत आवेदन दिया गया जिस पर जाँच करने उपरांत पाया कि ये व्यक्ति जो मोहम्मद हमजा है, 18 साल की उम्र है जिसकी, ये नकली तहसीलदार की सील बनाकर और नकली कलेक्टर साहब की सील बनाकर ये इनको ब्लैकमेल कर रहा था, जिस पर मामला दर्ज किया गया और 384-420 IPC के तहत मामला दर्ज कर कल इसे गिरफ्तार किया गया है। किस प्रकार की ये धमकी दी थी या ब्लैकमेल कर रहा था जी? ये हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त करने और एक फर्जी दस्तावेज बनाकर तहसीलदार के नाम से उनको धमकी दे रहा था कि आपके हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। उस आधार पर ये डर गए और फिर उन्होंने पुलिस में शिकायत की।